रांची में जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग को लेकर सहायक अभियंता के अभ्यर्थियों ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च राजभवन से निकला जो जेपीएससी कार्यालय तक पहुंचा। इस दौरान अभ्यर्थियों ने जेपीएससी अध्यक्ष पद की नियुक्ति की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि सरकार अपने विधायकों के साथ सर्किट हाउस पहुंचे हुए हैं और हमारा भविष्य अधर में लटका हुआ है। कैंडल मार्च में शामिल प्रदर्शनकारियों ने छात्रों से कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आश्वासन दिया था कि जल्द जेपीएससी अध्यक्ष पद की नियुक्ति होगी, उसके बाद सहायक अभियंता की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन महीने बीत चुके हैं, ना तो अब तक अध्यक्ष पद की नियुक्ति हुई है और ना ही हमारी बहाली, और किसी प्रकार का कोई कदम भी नहीं उठाया गया है। इंटरव्यू पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इकट्ठा होने का एक ही कारण है कि जेपीएससी अध्यक्ष का जो पद है वो एक संवैधानिक पद होते हुए भी 2 महीने तक रिक्त है और हमारे मुख्यमंत्री हमारे बस दीवार के उस तरफ है, उसके बावजूद भी हमको सुनते हुए, जबकि हम बारिश में कैंडल मार्च निकालने को मजबूर हैं, जेपीएससी के गेट के सामने हम कैंडल मार्च बारिश में जो हम इंटरव्यू को बाधित होने की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए आए हुए हैं, हमारा यही मांग है कि आप जल्द से जल्द जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति करके हमारी यही 5/2019 की जो नियुक्ति है उसको संपूर्ण करने की कृपा करें।